यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और अगली खबर आपको विशाखापट्टनम से दिखाने जा रहे हैं, जहां पर चुनावी नतीजे आने के बाद से जो प्रशासनिक अमला है वो अभी से एक्शन मोड में आ चुका है। विशाखापट्टनम में 10 महीने पहले दरअसल सरकार पर एक सड़क को ब्लॉक करने का आरोप लगा था, अब उस सड़क को खोल दिया गया है। पूरा माजरा क्या है देखिए इस रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए, सरकार बदलते ही यहां प्रशासन फुल एक्शन में नजर आ रहा है। पूरा सरकारी अमला सड़क पर उतर चुका है और अधिकारियों की देखरेख में सड़क पर बने डिवाइडर बोल्डर्स को हटाए जा रहे हैं। सड़क पर जेसीबी मशीन गरज रही है। डिवाइडर पर बने बोल्डर्स को एक झटके में उखाड़ इन्हें सड़क के किनारे रखा जा रहा है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आंध्र प्रदेश में सरकार के बदलते ही ऐसा क्या हुआ जो सड़क पर बने डिवाइडर को हटाने के लिए पूरा सरकारी अमला जुटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार सड़क के डिवाइडर को हटाने की क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल सड़क पर डिवाइडर लगाने और अब इसे हटाने की घटना पूरी तरह सियासी है, जिसे 10 महीने पहले आंध्र की YRSCP सरकार ने अंजाम दिया था। उस दौरान राज्य सरकार ने टाइकून होटल जंक्शन के पास बैरिकेड्स लगाकर श्रीपुरम VIP रोड और VIP रोड असिल मेटा मार्ग को बंद कर दिया था। तब वहां BJP और TDP ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया और सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। हालांकि अब आंध्र के सियासी समीकरण बदल गए हैं। यहां TDP और BJP को जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है। ये चुनावी परिणाम का ही नतीजा है कि विशाखापट्टनम में 10 महीने पहले जिन अधिकारियों ने बैरिकेड्स लगाकर सड़क ब्लॉक किए थे, आज वही अधिकारी अपने हाथों से डिवाइडर हटाते दिखे।